हम जा रहे हैं अरवा चावल का पुलाव बनाने, यानी कि सादा पुलाव, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे बनाने के लिए हम कम मसाले का इस्तेमाल करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए, अब हम इसी बर्तन में पुलाव बनाएंगे। अब इसे हम गैस पे रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। अभी इसे हम तेज फ्लेम में रखेंगे और इसमें अब हम डालेंगे तेल। ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। ये देखिए, ये देखिए हमारा तेल जो है गरम हो रहा है। अब हम इस पुलाव में डालने के लिए मसाले निकाल लिए हैं। अब हम इसे तेल में डालेंगे प्याज और तेज पत्ता और इसे हम फ्राई कर लेंगे। हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी प्याज गोल्डन कलर की ना हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज जो है गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये देखिए हमने चावल को अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम इसे एक भगोले में डाल देंगे, उसी भगोले में। ये देखिए इसमें हमने अपने धुले हुए चावल डाल दिए हैं और पानी हमने इतना लिया है कि हमारा चावल अच्छे तरीके से पक जाए। और ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे ज़्यादातर तो बच्चे पसंद करते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा अब नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसको नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए मिलाने के बाद, अब हम इसे मिलाने के बाद ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देंगे और इसे पकने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे चावल में अच्छी तरीके से उबाल आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसे धीमा कर देंगे जो है, और थोड़ा सा इसे हम अपने हाथों से चला देंगे। अब इसे हम धीमा करके थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से गल जाएं। ये देखिए अब हमारा पुलाव पकने पर ऐसा दिखने लगा है। और इसे हम अच्छे तरीके से चला देंगे, पूरा चावल अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं। और हम इसे बंद करके एकदम धीमी आंच पे इसे हम सिझा लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा सिंपल पुलाव बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कलर। इसमें हमने घोलकर कलर डाला है, आप चाहें तो सूखा कलर भी ऊपर से डाल सकते हैं। ये देखिए मम्मी, ये देखिए हमारा पुलाव अब सीज कर रेडी हो गया है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे जो है, चला करके पूरे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए पुलाव हमारा रेडी हो गया है। और इस पुलाव को आप सालन से, दाल से और सब्जी से, पनीर की सब्जी से, किसी भी चीज़ से इस चावल को आप खा सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।